दोस्तों एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी जिनका की हाल ही में निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो क्या आपको बताया कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाकी लोगों से काफी देर से की थी, जिसमें वो मुंबई आने से पहले थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे। इतना ही नहीं, लंबे समय तक वो सरकारी कर्मचारी भी रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे वो मुंबई आए थे। उन्होंने कहा कि मैं नाटक करता था और नाटक करते करते मैंने पूरा भारत घुमा, फिर मैंने सोचा कि नदी घूम ली जाए। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे समंदर में छलांग लगानी चाहिए, तो मैं मुंबई आ गया। यहाँ आकर काम मिलना मुश्किल था, लेकिन मैं ऊपर वाले का नाम लेकर कोशिश करता रहा और उसने मेरी सुन ली। मुंबई आने से पहले हम लखनऊ में थिएटर करते थे और उसके साथ ही सरकारी नौकरी भी करते थे। 25 साल मैंने ये नौकरी की, लेकिन जब मैंने देखा कि नौकरी पेशेबल हो गई है तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर विश्वास भी था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।